देखिए मैं आपको एक बात बताऊं सुचारिता, अभी मैं बोलूंगा ना तो फिर ये सब उछलने लगेंगे। आपको याद हो तो देश के प्रधानमंत्री आपको लग जाती है, समझो फिर आपको उछालना पड़ेगा। आचार्य जी एक मिनट, दानिश जी को आप दोनों से कह रही हूँ इस तरह के पर्सनल कमेंट्स या ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करें, अपना अपनी राय रखें। सुनिए दानिश जी अपनी राय रखते हैं, आपकी राय। मैंने 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 अच्छा ये क्यों उछल रहा है, इसको कह दिया क्या मैंने, इसको तो नहीं कहा मैंने, तो इन जनरल बात कही थी, इसीलिए तो भाषा खराब है, भाषा खराब है, तमीज कर रही है, इसको नहीं अच्छा एक मिनट, आचार्य जी आपके नेता का स्टैंड बताइए इस पर, वो सीधे सीधे पूछ रहे हैं और मैं ये भी पूछ रही हूँ आपसे, नहीं पर्सनल इस तरह से मत जाइए ना, नहीं सुचारिता इनको मारना है, देखिए मेरे पूज्य आचार्य जी का अपमान किया है, एक मिनट विनोद, स्टूडियो के अंदर नहीं ये गलत बात, बिल्कुल गलत, वो कूदने लग गए, इसे उल्लू के पट्टे को माफी मांग लीजिए, विनोद जी भाषा आई कैन नॉट अलाउ, आई कैन नॉट अलाउ दिस लाइन, नहीं बोला ये विनोद जी, मैं मुझे बताइए मैं नहीं बोलता, नहीं आप मेरा इतिहास सर जो गलत है वो गलत है, एक का गलत दूसरे के आगे अपमान करेगा तो सुनना पड़ेगा इसको, विनोद जी प्लीज माफी मांगिए, नहीं नहीं एक मिनट रुक जाइए प्लीज, माफी मांगो, मैं अनवर पाशा जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट अनवर पाशा जी के पास जाऊंगी, अगर कोई मुझे लगता है सत्य नहीं है तो बकवास करना बंद करें, बहुत खराब भाषा, नहीं बोला कम से कम, नहीं विनोद जी आपकी भाषा भी खराब है और उनकी, मैं बोलना पड़ा मुझे, नहीं इस तरह की भाषा आई कैन नॉट एक्सेप्ट, गलत है, मैं भी नहीं बोलता और उनकी भाषा भी गलत है, लेकिन बहुत खराब भाषा का इस्तेमाल कर, ठीक नहीं है, एक मिनट मैं अनवर पाशा जी के पास जा रही हूँ, अनवर पाशा जी को स्क्रीन पर ले लीजिए, और साथ ही सिद्धार्थ जी आप देख रहे हैं कि एक फैसले से कितना कुछ बदल गया है, अब मेरा मुझे सीधा सवाल मेरा यह है कि क्या इसकी जरूरत थी सिद्धार्थ जी, अब आप ने जो आपकी सरकार ने असम ने जो फैसला लिया उससे ये माहौल महाभारत में तो हो रहा है, लेकिन ये क्यों आप ये क्या कह सकते हैं कि इस तरह का माहौल देश में नहीं होगा इस फैसले से? सुचारिता जी क्यों होगा ऐसा माहौल देश में, क्या कारण है? इस देश में सांप्रदायिक अंग्रेज इस फैसले को लेकर के आए थे, तुष्टिकरण करने वाली कांग्रेस और विपक्ष ने इसको इतने सालों तक चलाया और एक पंथ निरपेक्ष भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले को हटा दिया। या तो हम कह दें कि हमारा देश तुष्टिकरण से ही चलेगा, हम कह देते हैं ये बात, हम कह देते हैं कि अपीजमेंट जहां नहीं होगी वहां पे देश नहीं चलेगा, नहीं तो महाभारत होगी, ऐसा ही कहना चाहते हैं ना, ऐसा नहीं होगा। इस देश में अगर संविधान है, अगर इस देश के कुछ मूल्य हैं, तो ये उसी आधार पे चलेगा। ये रूढ़िवादी एक प्रथा थी, ये देश के लोगों के हित में नहीं था और उसको हमारी सरकार ने हटाया है। अब इसके खिलाफ कुछ लोग अगर खड़े होंगे तो फिर वो गलत तरफ खड़े हैं। अब वो तेज आवाज में बोलें, वो ज्यादा हल्ला करें, वो रोना पिटना चाहें, जो वो चाहें, गलत उससे सही नहीं हो जाता। आप ये नहीं कह सकते कि हम ज्यादा रोने लग जाएंगे तो अब ये गलत सही हो गया, वो गलत है। अगर कोई विधानसभा का प्राथमिक काम प्रदेश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए फैसले लेने का है, अगर वहां पर जनता की भलाई के लिए कानून बनाए जाने हैं तो उसमें 2 घंटे की बाधा नहीं होगी, किसी तुष्टिकरण के आधार पे नहीं होगी। अब आप मुझे बताएं कि अंग्रेज करके गए थे तो बहुत अच्छा था, हम उसको मानते रहे क्योंकि तुष्टिकरण करने वाली कांग्रेस भी करती रही, तो माफ कीजिएगा, हमारी पार्टी इस आधार पर नहीं चलती, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी संविधान के आधार पर चलती है और वही फैसला लिया है। जिसको दुखी होना है वो हो सकता है। आपने ये बोला संविधान के तहत ये फैसला लिया है। दानिश साहब मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे मैं उम्मीद करूंगी कि आप प्लीज स्टिक टू द सब्जेक्ट। नहीं देखिए दानिश जी पहले माफ सब्जेक्ट और सुचरिता जी नहीं नहीं विनोद जी विनोद जी देखिए भाषा तो आपकी भी खराब है। मैं माफ मांगूंगा, आपको भी माफी मांगूंगा, माफी मांगूंगा पहले पहले आचार्य जी से हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा। मैं इस पर नहीं, पहले आचार्य जी से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। सुनिए स्टूडियो के अंदर मेरे पूज्य आचार्य जी का अपमान किया इसने, इसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, गलत बात है बिल्कुल, जब ये इसकी उसकी कह रहे हैं। अच्छा एक ये फिर फालतू शुरू करेंगे तो फिर मैं बोलना शुरू करूंगा सुचारिता, तो सत्य नहीं होते ना, मैं बोलना शुरू करूंगा फिर मैं बोलना शुरू करूंगा सत्य पाया ना, मैं बोलना शुरू करूंगा फिर कोई नहीं बोल पाएगा शो में।
बिल्कुल क्लियरली बोला, उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन दानिश साहब को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आचार्य जी के बारे में इस तरह की भाषा बोली। सीधा बोल रहे हैं, मुझे इससे आगे बढ़ना है, डिबेट करना। वो अपनी तरफ से कुछ भी बोले, हमें बोलिए सॉरी बोलिए पहले। देखिए मैं तो आपको, अरे पहले सॉरी बोलिए, ये जिहादी एजेंडा नहीं चलेगा रिपब्लिक में। अपनी बात जो शुरू की, रिपब्लिक भारत में जिहादी एजेंडा नहीं चलेगा, कि ये जो पूज्य आचार्य जी का अपमान किया है, करेंगे तो सुचारिता नहीं चलेगा, ऐसे इंटरप्ट करेंगे तो नहीं चलेगा। अरे माफी मांग तू, नहीं चलेगा ऐसे नहीं चलेगा। एक सेकंड सर, गलत बात है, ये तू तड़ाक नहीं चलेगा। आई थिंक इट इज ओनली फेयर अगर वो ये कह रहे हैं, वरना मुझे डिबेट को आगे तो बढ़ाना है, मैं इस तरह से डिबेट को आगे नहीं बढ़ा सकती। वो सीधे कह रहे हैं, उन्होंने भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो बोल रहे हैं मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, दानिश साहब को भी माफी मांगने की, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। इन्होंने नहीं बोला, नहीं नहीं मैंने 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 गलत शब्द, मैंने किसी को बोला ही नहीं है तो मैं क्यों। अरे आचार्य जी को आपने, मैंने किसी को बोला नहीं, चलती ट्रेन में तो वो आचार्य जी को, मैंने तो किसी को नहीं बोला, आचार्य जी का चरणों में पड़ते हैं भाई, किसी को नहीं बोला, मैंने पैर छूने चाहिए, पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है, और इन जनरल बात का सारी जो फूट पड़ा, ये आपकी संस्कृति हो सकती है, ये जिहादी। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, एक मिनट, विनोद जी आप अपनी स्टूडियो में हैं तो मैं नहीं होगा कभी, एक सेकंड, ऐसे नहीं होगा सुचारिता, एक सेकंड, सुचारिता ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, तो आप दोनों डिसाइड कर लीजिए फिर कैसे होगा। इस तरह से तो डिबेट नहीं होगी, जिस तरह से आप लोग डिक्टेट करना चाह रहे हैं। मैं बस बड़ी क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं बड़ा क्लियरली बोल रही हूँ, एक मिनट जाइए, आचार्य जी से हाथ जोड़कर माफी मांगिए। नहीं नहीं नहीं, आपने हाथ जोड़ लिया, आपने कहा चलिए भाई हाथ जोड़ लिए तो फिर हाथ जोड़ लिए तो फिर जाइए, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जहाँ पे बड़ा व्हाट इज फेयर इज फेयर, अगर वो अपनी भाषा के लिए माफी मांग रहे हैं तो आपको भी अपनी भाषा बोलो ना पड़ेगा, ये बड़ा क्लियर है। हाथ जोड़ा बोला ना, नहीं आपने, मैंने क्लियर बोला, भाषा की गरिमा को तो आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा, मेंटेन करना ही चाहिए। नहीं तो विनोद जी आपने भी अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं, आचार्य नहीं, नहीं ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाह रही हूं, मैं डिबेट में आगे बढ़ना चाह रही हूं, तो मैं नहीं रोक सकता, आप मेरे को मेरे सामने मेरी गऊ की हत्या करो और कहो नहीं नहीं कानून का पालन करो, मैं नहीं कर सकता भैया, आगे बढ़ूं मैं उसी लेवल पर रहूंगा। ठीक है विनोद जी, मैं आगे बढ़ना चाहती हूं, मुमताज जी भी आ गए स्टूडियो में, अगर अनवर पाशा जी हमारे साथ जुड़ गए तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि एक अलग ये दर-दर बातें भाग जाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं एक चीज पूछ रही हूं आपसे मुमताज जी, जिस तरह से एक कानून सिर्फ एक धर्म के लिए चल रहा था कि भाई विधानसभा में दो घंटे का ब्रेक है, बाकी किसी के लिए नहीं है वो, तो उसको अगर हटाया गया है, बहुत सा अटैक अब हेमंत बिस्व शर्मा पर हो रहा है कि ये तो मुस्लिम विरोधी ही है, क्यों? देखिए ऐसा है कि हाँ। नियत किसकी क्या है पता चल जाता है, माँ बाप जो है अगर बच्चे को मारते हैं प्यार से तो वो पता चलता है कि प्यार से मार रहे हैं, लेकिन अगर गुस्से में मारते हैं तो वो भी पता चल जाता है। हेमंत की अगर वाकई नियत सही है तो इतने जो फैसले और उनके जो बयान आते हैं उनको देख लीजिए, इससे ये लगता है कि उनकी नियत ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि इतने दिनों से चीज़ें चली आ रही हैं, कौन सा इतना बड़ा नुकसान हो रहा था, क्या नुकसान हो रहा था, और फिर जुमा जो है आपने नुकसान आप तो इतनी देर में।